वेलकम अगेन गाइस, इस वीडियो में एक ड्रैग एंड ड्रॉप मल्टीपल इमेज अपलोडिंग सिस्टम क्रिएट करूंगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। गाइस इसमें गाइस मैं कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी का यूज़ नहीं कर रहा हूं। ओके तो गाइस यहां पर ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए। लेट्स क्लिक ऑन ब्राउज बटन एंड नाउ आई विल सिलेक्ट हियर सम इमेजेस। ओके तो गाइस यहां पर आप मल्टीपल इमेजेस को मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। ओके तो यहां से इमेजेस को कर लेते हैं सिलेक्ट, फर्स्ट 3 इमेजेस को, और कर लेते हैं ओपन। तो गाइस देख सकते हैं जो भी इमेज मैंने सेलेक्ट की थी उनका यहाँ पर नीचे प्रीव्यू शो हो रहा है गाइस, यू कैन सी हियर। और गाइस क्रॉस बटन पर क्लिक करके मैं इन इमेजेस को रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके और अगेन गाइस मैं इस लिस्ट में न्यू इमेजेस को भी ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सेलेक्ट दिस 5 इमेज हियर नाउ ओपन। तो गाइस देखते हैं ये जो इमेज पहले से ऐड है, अगर मैं इसमें दोबारा से ऐड करूँगा तो क्या होगा गाइस, वो इमेजेस में वापस से ऐड नहीं होगी, बाकी जो इमेजेस पहले से ऐड नहीं थी वो इसमें ऐड हो जाएंगी, यू कैन सी हियर। ओके नाउ गाइस इसके बाद मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें इमेज अपलोड करूंगा, आई मीन ऐड करूंगा इस लिस्ट में। नाउ गाइस लेट्स ड्रैग दीज 6 इमेजेस हियर। और गाइस यू कैन सी हियर यहां पर हावर इफेक्ट भी शो हो रहा है, ड्रॉप इमेजेस हियर यू कैन सी। ओके तो गाइस इन इमेजेस को यहां पर ड्रॉप करते हैं, लेट्स ड्रॉप। गाइस जो इमेजेस में पहले से ऐड थी वो इसमें वापस से ऐड नहीं हुई है, बल्कि जो एक्स्ट्रा इमेज थी वो इसमें ऐड हो गई है, जो कि यू कैन सी जो लास्ट वाली इमेज है वो इसमें ऐड हो गई है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से जो टेम्पलेट है वो अपने बना लेते हैं, जिसमें कि जो कंप्लीट हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होगा गाइस।
नाउ गाइस इन जावास्क्रिप्ट गाइस सबसे पहले मैं एक फाइल्स वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसमें कि गाइस जो भी इमेजेस मैं ऐड करूँगा वो इसमें ऐड होंगी. आई मीन ये एरे है तो इसमें गाइस इमेजेस ऐड होंगी गाइस. ओके तो गाइस फिलहाल के लिए मैंने इसको एम्प्टी एरे ले लिया. नाउ गाइस इसके बाद जो बटन है गाइस उसको मैं करूँगा सेलेक्ट बाय डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर. ओके और इसके अलावा गाइस जो मेरा फॉर्म है उसको गाइस कर लेते हैं सेलेक्ट, जो ड्रैग एरिया है वो वाला गाइस. ओके सो लेट्स सेलेक्ट फॉर्म. इसके बाद गाइस जो कंटेनर है मेरा उसको कर लेते हैं सेलेक्ट जिसमें कि गाइस इमेजेस शो होंगी कंटेनर. और इसके अलावा गाइस मैं सेलेक्ट कर लूँगा टेक्स्ट को जिससे कि गाइस मैं इसको चेंज करूँगा बाद में जब इमेजेस में होवर होंगे ड्रैग करके गाइस. ओके कर लिया सेलेक्ट. ओके इसके बाद गाइस जो मेरी ब्राउज वाला जो ब्लू कलर का जो स्पैन है यू कैन सी हियर उसको कर लेते हैं सेलेक्ट जिसकी मदद से मैं क्लिक करके विदाउट ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ गाइस. ओके नाउ गाइस इसके बाद मैं गाइस जो मेरा इनपुट है उसको कर लेते हैं सेलेक्ट, जो फाइल वाला इनपुट था जिसको गाइस मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नन क्लास दे दी थी. ओके सेलेक्ट. ओके तो गाइस इसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा जो ये ब्राउज़ वाला जो टेक्स्ट है जब भी कोई इस पर क्लिक करे तब क्या होगा गाइस. ओके तो इसे इमेज को सेलेक्ट करना गाइस. ओके तो यहाँ पर गाइस मैं एक इवेंट लिस्टर ऐड कर रहा हूँ इस ब्राउज़ वाले टेक्स्ट पर जो कि गाइस होगा क्लिक. तो गाइस जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तब जो इनपुट है उस पर क्लिक हो जाएगा गाइस. ओके तो इनपुट डॉट क्लिक फंक्शन गाइस. ओके तो यहाँ से गाइस मेरा इनपुट रन हो जाएगा. इनपुट जो फाइल टाइप लिया था मैंने वो रन हो जाएगा गाइस. अब गाइस एक इनपुट जो मेरा है उस पर गाइस इवेंट डेस्टिनेशन ऐड करते हैं चेंज, मतलब जब भी कोई इमेजेस को सिलेक्ट करेगा तब ये फंक्शन रन होगा गाइस. सो लेट्स टेक ए वेरिएबल फाइल और गाइस यहाँ पर इनपुट में से जो भी फाइल्स यूजर ने सिलेक्ट की थी उसको मैं इस फाइल वाले वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा गाइस. इसके बाद गाइस मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा जिससे गाइस जो मल्टीपल इमेजेस हैं उनको मैं व्यू कर सकता हूँ गाइस. ओके तो गाइस यहाँ पर ले लेते हैं एक इफ़ कंडीशन, लेकिन फिलहाल के लिए गाइस इसको हटाते हैं बाद में ऐड करेंगे इसको बाद में. ओके तो गाइस सिंपली फिलहाल के लिए मैं फाइल्स जो वेरिएबल मैंने एम्प्टी एरे वाला क्रिएट किया था उसमें गाइस मैं पुश कर दूंगा फाइल आई, मतलब जो हर एक फाइल को ये उस फाइल्स वाले वेरिएबल में ऐड कर देगा गाइस. ओके इसके बाद गाइस मैं जो फॉर्म है इसको गाइस रिसेट कर दूंगा और जो मेरा सो इनपुट फंक्शन है उसको रन करूंगा गाइस. ओके तो गाइस ये फॉर्म रिसेट मैंने इसलिए किया है क्योंकि गाइस अगर आप सेम इमेजेस को अगेन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो गाइस कोई भी चेंज इवेंट इसमें रन नहीं होगा इनपुट में गाइस. ओके तो गाइस आप क्रिएट करते हैं इस सो इमेजेस वाले फंक्शन को जिसकी मदद से इमेजेस को मैं इस एचटीएमएल में ऐड कर पाऊंगा गाइस. ओके सो नाउ लेट्स टेक ए वेरिएबल इमेजेस एम्प्टी स्ट्रिंग. ओके और गाइस यहां पर मैं जो फाइल्स में जितनी भी इमेजेस जो ऐड हो जाएंगी गाइस तो फॉर ईच लूप के लिए मैं क्या करूंगा जितनी भी फाइल्स वाले उस वेरिएबल में इमेजेस होंगी उनके लिए मैं क्या करूँगा कि जो इमेजेस है उसमें स्ट्रिंग ऐड करूँगा ये वाली, कॉपी कर लेते हैं. ओके यहाँ पर ऐड करेंगे गाइस. ओके तो गाइस फॉर ईच इमेजेस के लिए यहाँ पर मैं ये लूप रन होगा और यहाँ पर गाइस जो ये SRC टैग है इसमें गाइस मैं उसका URL शो करूँगा. तो यहाँ पर गाइस मैं क्या करूँगा URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL एक फंक्शन है गाइस उसका यूज़ करूँगा. ओके तो यहाँ से गाइस ई पास कर देते हैं, मतलब जो करंट फाइल है उसको पास गाइस यहाँ पर पास कर देंगे. और गाइस यहाँ पर स्पैन टैग में गाइस एक ऑन क्लिक इवेंट लेंगे डिलीट इमेज करने के लिए. और गाइस यहाँ पर पैरामीटर में गाइस मैं करंट इमेज का जो इंडेक्स है वो पास कर दिया मैंने गाइस. ओके इसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा जो कंटेनर है उसके इनर एचटीएमएल में गाइस मैं इमेजेस इस वेरिएबल को ऐड कर दूंगा गाइस. नाउ लेट्स रिफ्रेश एंड चेक अगेन. तो गाइस अभी कुछ एरर है. ओके गाइस यहाँ पर जो URL होता है वो कैपिटल लेटर में होता है. नाउ लेट्स सेलेक्ट अगेन एंड लेट्स सेलेक्ट दिस इमेज यू कैन सी हियर. तो गाइस अगर मैं इनको रिमूव करने की कोशिश करूँगा तो ये रिमूव नहीं होंगी क्योंकि गाइस ये डिलीट इमेजेस वाला फंक्शन मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है. ओके तो गाइस यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट इसको. तो गाइस मैं इसमें एज अ पैरामीटर इंडेक्स ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर गाइस यू कैन सी पास किया है यहाँ पर. ओके तो इस इंडेक्स को गाइस मुझे इस एचटीएमएल में से रिमूव करना है. तो गाइस मैं क्या करूँगा जो फाइल्स वाला वेरिएबल है जिसमें गाइस सारी इमेजेस ऐड हैं उसमें से गाइस मैं इस इंडेक्स को रिमूव कर दूंगा और अगेन गाइस सो इमेजेस वाला फंक्शन रन कर दूंगा. ओके तो लेट्स सेलेक्ट इमेजेस
ओके इमेज ऐड हो गई है। अगेन सेलेक्ट सम अदर इमेजेस, ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यू कैन सी ऐड हो गई है, और गाइस क्लिक करके यहाँ से इमेज भी रिमूव हो रही है, यू कैन सी हियर। ओके बट गाइस अभी भी एक यहाँ पर एरर है, जो कि गाइस मैं आपको दिखा दूँ। अगर गाइस मैं सेम इमेजेस को इसमें ऐड करूँगा तो गाइस वो इसमें ऐड हो जाएगी गाइस, ओके, जो कि मैं नहीं चाहता। ओके तो यहाँ पर गाइस अब यहाँ पर लेंगे इफ़ कंडीशन, जिसमें गाइस मैं चेक करूँगा सबसे पहले जो फाइल्स वाला जो वेरिएबल है मेरा, जिसमें गाइस इमेजेस ऐड होंगी उसके उसमें चेक करूँगा गाइस एवरी फंक्शन की मदद से कि उसमें जो न्यू इमेज ऐड हो रही है वो इसमें पहले से एग्जिस्ट करती है नहीं। ओके तो फाइल्स एवरी ई कॉल में फंक्शन लिया गाइस ई डॉट नेम चेक करूँगा, अगर वो बराबर नहीं है करंट फाइल के नेम के बराबर तो गाइस में पुश हो जाना चाहिए। ओके लेट्स चेक अगेन, सेलेक्ट टू इमेजेस एंड अगेन सेलेक्ट दीज थ्री इमेजेस एंड यू कैन सी गाइस जो दो इमेजेस पहले से ऐड थी वो इसमें ऐड नहीं हुई, बल्कि जो तीसरी वाली ऐड नहीं थी वो इसमें ऐड हो गई गाइस। ओके इसके बाद गाइस जो मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है उसको गाइस क्रिएट करेंगे, कैसे हम इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें अपलोड कर सकते हैं, आई मीन ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, जो मेरा फॉर्म है उसमें गाइस मैं एक इवेंट लिस्टनर ऐड करूँगा ड्रैग ओवर। ओके तो यहाँ पर इवेंट लिस्टनर होगा जो कि गाइस रन होगा तब जब मैं ड्रैग की हुई इमेजेस को इस फॉर्म वाले एलिमेंट के ऊपर होवर करूँगा गाइस। ओके तो गाइस इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो जब ये फंक्शन रन होगा तो मैं इनर टेक्स्ट को चेंज करूँगा ये वाला ऊपर। ओके और जो मेरा फॉर्म है उसमें गाइस मैं क्लास को ऐड कर दूँगा गाइस। ओके तो गाइस इन सबसे पहले गाइस सबसे पहले मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा, जिसकी मदद से मैं जो ब्राउज़र का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ड्रैग ओवर वाला उसको मैं प्रिवेंट कर दूँगा गाइस। ओके तो लेट्स एड ए प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन एंड नाउ गाइस फॉर्म में जो क्लास लिस्ट है उसमें मैं गाइस क्लास ऐड करूँगा ड्रैग ओवर, और उसके बाद गाइस जो टेक्स्ट है उसमें क्या करूँगा इनर एचटीएमएल चेंज करूँगा ड्रैग इमेज हेयर। ओके तो गाइस ये सो होगा जब इसमें इमेजेस को इसमें होवर करूँगा गाइस ऊपर। ओके तो गाइस एक और इवेंट लिस्टनर ले लेते हैं ड्रैग लीव, मतलब जब जो इमेज है वो इस एरिया से बाहर चला जाएगा, आई मीन ड्रैग वाला जो इमेज हम ड्रैग कर रहे थे वो। ओके या फिर जब लीव कर देगा तब के लिए गाइस। ओके तो ड्रैग लीव तो उसको मैं गाइस मैं क्या करूँगा जो इनर एस्टीमेट में वापस से पहले जैसा कंटेंट ऐड कर दूंगा और जो क्लास थी ड्रैग ओवर उसको गाइस रिमूव कर दूंगा गाइस। ओके नाउ गाइस इसके बाद क्या करते हैं इमेज कर लेते हैं सेलेक्ट एंड विल सी गाइस इट इज़ वर्किंग फाइन ड्रॉप इमेजेस हेयर और गाइस यू कैन सी। ओके लेकिन गाइस अभी भी इमेजेस को आप ड्रॉप नहीं कर सकते गाइस। ओके तो गाइस इसके लिए मैं एक और इवेंट लिस्टनर ले लूँगा जो कि गाइस होगा ड्रॉप, मतलब जब इमेजेस को मैं इसमें ड्रॉप करूँगा तब के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले गाइस प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो गाइस जब भी आप इसमें इमेजेस को ड्रॉप करेंगे तो गाइस वो हमेशा ही न्यू टैब में ओपन होंगी, तो गाइस इसके लिए आपको इसमें प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके नाउ गाइस लेट्स क्रिएट अ फाइल वेरिएबल एंड ई डॉट डाटा ट्रांसफर डॉट फाइल्स की मदद से मैं सारी की सारी फाइल्स जो यूजर ने ड्रैग की हुई हैं उनको गाइस सेलेक्ट कर लूँगा, और गाइस अगेन ये फोर वाला लूप रन करूँगा सेम पहले जैसा। ओके तो गाइस एवरी टाइम जितनी इमेज हैं इसमें वो फाइल्स वाले उस वेरिएबल में ऐड हो जाएंगी, और सो इमेजेस फंक्शन की मदद से मैं इसमें इमेजेस सो कर सकता हूँ गाइस। ओके नाउ गाइस वर्किंग है, लेकिन गाइस अभी भी ये ड्रॉप इमेजेस हेयर वाला कंटेंट इसमें शो हो रहा है गाइस, जो कि ऐड नहीं होना चाहिए, मतलब आफ्टर ड्रॉपिंग इमेज ये रिमूव हो जाना चाहिए था गाइस। ओके तो गाइस इसके लिए क्या करेंगे, तो गाइस क्या करेंगे इसके लिए मैं इन दो लाइन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इनको गाइस इस ड्रॉप इवेंट डिस्टेंट में ऐड कर दूंगा गाइस, जिससे कि जो ड्रैग ओवर वाली क्लास है वो रिमूव हो जाएगी आफ्टर ड्रॉपिंग इमेज और इन एचटीएमएल भी चेंज हो जाएगा गाइस। ओके नाउ गाइस लेट्स टेस्ट इट अगेन, कैन सी हियर गाइस वर्किंग फाइन। तो गाइस अगर आपको इमेजेस को जो इसमें ऐड हुई हैं उनको अगर सर्वर पर सेंड करना है तो उसके लिए गाइस आप इसमें फॉर्म डाटा क्लास का यूज़ कर सकते हैं गाइस, जो कि पहले से इसमें प्री डिफाइंड होती है। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ उसका यूज़ आपको कैसे करना है। सो गाइस लेट्स टेक ए इवेंट लिसनर बटन पर गाइस, ओके क्लिक, और गाइस यहाँ से मैं क्या करूँगा एक फंक्शन रन करूँगा जिसमें कि गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको गाइस एक जो क्लास है उसका इंस्टॉल क्रिएट करना है न्यू फॉर्म डाटा। ओके ऐसे करके, और इसके बाद गाइस आपका जो भी इमेजेस हैं उसमें आपको इसमें अपेंड कर देनी है लूप की मदद से गाइस। ओके
तो फाइल्स फॉर ईच, क्योंकि फाइल्स में सारी सारी इमेजेस हैं मेरी, तो फाइल्स फॉर ईच लूप ले लेते हैं। और फॉर ईच लूप के लिए गाइस मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म जो मैंने इसमें इंस्टॉल क्रिएट किया है उसमें गाइस मैं अपेंड कर दूंगा फाइल इंडेक्स गाइस करंट इंडेक्स एंड फाइल ई। ओके तो गाइस इसके बाद गाइस आप इस फॉर्म को, आप फॉर्म वाले वेरिएबल को आप सर्वर पर सेंड कर सकते हैं गाइस। ओके और सर्वर पर आप जो भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसकी मदद से आप इसको हैंडल कर सकते हैं गाइस। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।